हमीरपुर से बड़ी खबर, जहां पर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में रिसाव से आग लगी है। आपको बता दें, आग में आधा दर्जन से अधिक लोग झुलस गए हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। रसोई कार्यक्रम के खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची है। राठ कोतवाली कस्बे के मुगलपुरा मोहाला का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में रिसाव से आग लगी और इस आग में आधा दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए। सभी को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है, जिनका इलाज जारी है। रसोई कार्यक्रम के लिए खाना बनाया जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से यहां पर हादसे के बाद से लोगों में तनाव है और दुख चेहरे पर झलक रहा है, क्योंकि उनके अपने इस हादसे में झुलस गए हैं। सभी को स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती किया गया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, किसी का हाथ जला हुआ नजर आ रहा है। भीड़ लगी हुई है अस्पताल में। इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरों को देखिए, जहां पर जो आधा दर्जन लोग झुलसे हैं, उनके परिजन मौजूद हैं। एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल में भिजवाया गया। अधिक जानकारी के साथ सद्दाम जुड़ गए हैं, सहयोगी हमारे साथ। सद्दाम, क्या कुछ अपडेट? पूरा मामला कस्बा राठ के मुगलपुरा मोहल्ले का है, जहां दो दिन पूर्व एक महिला की मौत हो गई थी। उसी की शुद्धता का प्रोग्राम चल रहा था, उसी प्रोग्राम के लिए खाना बनाया जा रहा था, तभी गैस सिलेंडर में अचानक से लीकेज हुई और पास में रखे दीपक से गैस का संपर्क हुआ, जिससे सिलेंडर में आग लग गई। आग लगते ही घर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और वहां बैठे तकरीबन 11 लोग आग में बुरी तरीके से झुलस गए हैं, जिनको स्थानीय लोगों ने आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी भर्ती कराया है। सभी 11 लोगों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर किया गया है। बाकी लोगों का सीएससी राठ में ही इलाज चल रहा है। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सद्दाम। तो ये जानकारी हमारे सहयोगी सद्दाम ने दी है कि यहाँ पर जो सभी झुलसे लोग थे, उन सभी को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। और ये सब कुछ, ये हादसा हुआ गैस रिसाव के कारण, और यहाँ पर गैस रिसाव से आग फैल गई और आग में कई लोग झुलस गए। आपको बता दें कि इन सभी झुलसे हुए लोगों का स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है, इनका इलाज जारी है।